हरे कृष्णा, माई सेल्फ साहिल यदुवंशी एंड आई एम फ्रॉम एन आई टी भोपाल एंड करंटली आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट एलन केरी इंस्टीट्यूट कोटा। मैं जो है एन आई टी भोपाल बेस, जिसे मेरिट बेस बोलते हैं, वहाँ से मैं बेस में रहा। और बेस में जो है हमको कॉलेज प्रीचिंग के दौरान जो है हम लोग बेस से जुड़े थे, इस्कॉन से जुड़े थे। और मुझे लाने का जो श्रेय है मैं देना चाहूँगा कि हमारे दो सीनियर्स थे, प्रेम दत्ता गौरांगपुर और आनंदपुर, तो बेसिकली यही लोग हमको उस समय लेके आए, बेस शिफ्ट किया उन्होंने हमें कॉलेज से और मैं बेस में शिफ्ट किया। तो बेसिकली बेस में जो सीखने को मिला उसको मैंने एक शॉर्ट अगर फॉर्म में बोलूँ तो BACE यानी कि भक्ति वेदांत अकेडमी में हमने दो चीज़ स्पेशली सीखी जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रही, वो था BA। भक्ति वेदांत अकेडमी में क्या सीखा? CE सीखा, सी फॉर करेक्ट डेवलपमेंट। बेसिकली भक्तों के बीच में किस तरह से उन्होंने रखा और किस तरह से भक्तों के द्वारा जो आचरण वो लोग किए, उस आचरण से क्या क्या सीखने को मिला, उससे तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ था वो था हमारा करेक्ट डेवलपमेंट, है ना। भक्तों के साथ जो बहुत सुंदर वातावरण रहा उससे करेक्टर डेवलप हो गया, जो कि पहले कैसा था और बाद में कैसा हुआ। और CE मतलब क्या है कि क्या होता था कि जैसे हम सीनियर बने तो हमको एक इशू होता था कि एग्जाम्पल सेट करना है, है ना। हमारे जूनियर्स हैं उनको प्रीचिंग करना है तो एग्जाम्पल सेट करना है, तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाला एक व्यक्ति हमको बनना पड़ा। और जब आप एग्जाम्पल सेट करने के लिए तैयार होते हो तो आपको एक क्रिएटिव भी बनना पड़ेगा, आपको एक लीडर भी बनना पड़ेगा, आपकी स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, जब तक आप एक लीडर का रोल कर पाओगे और वो लीडर ही जो है वो एग्जाम्पलीफायर बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली बेसिक अगर शॉर्ट में बोले कि बेस से हमें क्या मिला, तो भक्तिवेदांत अकेडमी से हमें CE मिला एक्चुअली। तो इस तरह से डिवोटीज का जो है आदान प्रदान और शिक्षाएं चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रही लाइफ में। और एक चीज़ हमने देखा कि बेस में जो है, जो बेस के डिवोटीज थे, बेस से पहले भी हमारे साथ कई फ्रेंड्स थे, अभी कुछ फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमको देखने को मिला कि बेस के जो लोग थे आज डिवोटीज हैं वही अभी साथ में हमारे, और बाकी कोई वास्तव में साथ में नहीं है, है ना। क्योंकि ये एक जो फैमिली है वो एक स्पिरिचुअल फैमिली है, है ना। ये एक नॉर्मल फैमिली नहीं है जो कि हमारे साथ हमेशा रहती है, और आज भी भक्त लोग फोन करते हैं और हम लोग जब जाते हैं मंदिर में जाते हैं, डिवोटी से मिलते हैं, तो एक होमली एनवायरनमेंट फील होता है ना। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा बोला करते थे कि इस्कॉन इज अ फैमिली, इस्कॉन इज अ फैमिली इन विच द होल वर्ल्ड कैन कम, है ना। तो ये सब हमारा एक्सपीरियंस रहा। रसानंद प्रभु जी जो पहले डिवोटी रहे जिनको मैंने बेस में, इस्कॉन के पहले डिवोटी जिनको मैंने देखा और आज भी प्रोजेक्ट से कनेक्टेड हैं, तो लाइफ इन बेस वाज वंडरफुल। थैंक यू।